सो बेटा बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस आप करने वाले थे, कल आपने हेडिंग भी लिखा था। बिफोर वी स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस बेटे, मैं बर्नौलीज थ्योरम का एक बार एक्सप्रेशन लिख दूं ताकि हमें अगर कोई उसमें हो बात, तो दैट वाज पी अपॉन रो प्लस 1/2 बी स्क्वायर प्लस इट वाज जी इनटू एच, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपने किया था, चेक करिएगा। और हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए आपका ये टर्म खत्म हो गया था, इसको आपने स्टैटिक और इसको डायनेमिक प्रेशर कह के डिस्कस कर लिया था, ऐसा ही है ना बेटा? अगर आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, वंश एंड वैभव आप दोनों ही मेरे पास आ जाइए प्लीज। हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए आपने बोला था पी ओवर रो, ये आपका स्टैटिक प्रेशर और ये आपका डायनामिक प्रेशर, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के कह लो, कुछ भी कह लो। वंश आ जाओ इधर, इतने दिनों के बाद आए हो तो मैं इसीलिए पास बुला रहा हूं। बी क्विक, नाइस, गुड, आ जाओ जल्दी से, अब आ जाओ जल्दी, आ जाओ बी क्विक, ये रहने दो चीजें, आप आ जाओ बस। सो ये बेटे आपका एक्सप्रेशन था बर्नौलीज थ्योरम के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में। इसकी बेटे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो है बेटे बंसन्स बर्नर कैसे वर्क करता है। बंसन्स बर्नर, आप लोग केमिस्ट्री लैब में फ्रीक्वेंटली जाते हैं है ना, वहां पे आप एक ऐसा बर्नर देखते होंगे कुछ इस तरीके का, और उस बर्नर में आपने, अगर आप जानते हो, तो यहाँ पे एक बर्नर के कुछ इस तरीके से, ये आपका बर्नर है, यहाँ पे एक फाइन होल बना रहता है, यहाँ पे साइड पे एक होल होता है बर्नर का, बर्नर की साइड पे। जब आपने गैस की सप्लाई स्विच ऑन की, सिलेंडर से आपने गैस को अलाउ कर दिया इस बंसन्स बर्नर में पाइप में आने के लिए, तो आपका गैस का सप्लाई जब इस पाइप में से इस तरीके से बाहर जाएगा दिस वे, तो बेटे गैस की स्पीड इनसाइड द पाइप बहुत ज्यादा होगी। आपका जो ये मेटल का पाइप है, प्रोबेबली स्टील का या कुछ आयरन का होगा, इस पाइप के अंदर गैस काफी ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। काफी ज्यादा स्पीड से क्यों जाएगा? बिकॉज आपके गैस के सिलेंडर के अंदर काफी प्रेशर होता है और यहाँ पे बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से काफी ज्यादा स्पीड से इस आउटलेट के थ्रू बाहर आने की कोशिश करेगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इसके अंदर वेलोसिटी जो है गैस की, दैट विल बी लार्ज। और अगर वेलोसिटी लार्ज हो, ये इतना बड़ा तो है नहीं कि आप कह सकते हैं कि जी इसका ग्राउंड लेवल से बहुत ज्यादा हाइट है, इतना कुछ भी नहीं है। तो ये टर्म आपकी काफी ज्यादा लार्ज हो गई इनसाइड द ट्यूब, और इसका मतलब है प्रेशर को इनसाइड द ट्यूब कब कम होना पड़ेगा। सो इसके अंदर प्रेशर पी जो है इट बिकम्स लेस, किसके कंपेरेटिवली? कंपेयर टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। और एटमोस्फेरिक प्रेशर दीदी कितना होता है? नहीं, कल नहीं किया था हमने, पहले किया हुआ है वैसे तो। 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर, बेटे याद रखा करो ये चीजें, ठीक है? इतना आपका बाहर प्रेशर है एटमोस्फेरिक एयर का, अंदर प्रेशर कम हो गया, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां से एयर जो है, ऑक्सीजन गैस जो है, दैट विल रश इन, वो ऑक्सीजन इस गैस के साथ मिलेगी और बर्निंग को सपोर्ट करेगी, और आपका यहाँ पे जो है फ्लेम जो है, यू विल ऑब्जर्व द फ्लेम। सो दिस इज द प्रिंसिपल अपॉन विच योर बंसन्स बर्नर वर्क्स, राइट? कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं? एक बार फिर बता दें, बहुत बढ़िया है बेटे। जब आप स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर की बात करते हैं,
गैस की वेलोसिटी इनसाइड द पाइप बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने से बाहर से एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, एयर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करेगी, दैट्स इट। आप आई थिंक आपने पढ़ा नहीं इसको ध्यान से, एक बार दोबारा पढ़ना, नहीं फिर आज आपको थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ना, इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर टू यू। क्लास नहीं लगाई तो वो ये देख लेते कुछ आप, चलो एनी हो आगे है बेटा। सेकंड इज लिफ्ट ऑफ एन एयरफॉइल। एयरफॉइल कैसे लिफ्ट हो जाता है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये कोई जैसे विंग बने होते हैं बेटा, ये एयरफॉइल है, इट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एयर जो है ये कुछ इस तरीके से इसके साथ से पास करेगी, दिस वे ये एयर की लेयर्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे, और आप देख रहे हैं ये स्लाइटली कन्वेक्स अपवर्ड है ये, और ये कनकेव स्लाइटली कनकेव डाउनवर्ड्स है, समथिंग लाइक दिस बेटा। तो जब आपका ये एयर फॉइल जिसकी लिफ्ट की आप बात कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एयर अपर लेयर्स में ज्यादा डिस्टेंस उसी टाइम में कवर कर रही है, इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गया एयर का, और अगर स्पीड ज्यादा होगा तो प्रेशर इस रीजन में इन कंपैरिजन टू द लोअर सरफेस कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो गया इस पे नेट अपवर्ड फोर्स एक लगेगा, इसको आप रिजल्टेंट फोर्स आर कह सकते हो, इसके दो वर्टिकल कंपोनेंट्स आप बनाकर ये कह सकते हैं कि इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग इट अप, राइट बेटा। अगर आपको नहीं भी बनाना ये कंपोनेंट्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ये कह दीजिए कि यहाँ पे प्रेशर कम है, लोअर सरफेस पर प्रेशर जो है इट इज मोर, और आप जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका जो है एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिफ्ट ऑफ द एयरफॉइल, राइट। हाँ जी चले आगे। इसके बाद है मैग्नस इफेक्ट, तो मैग्नस इफेक्ट को भी आइए समझें, क्या चीज है ये, क्या इफेक्ट है, और कैसे हम बेटा ये सारे का सारा जो है ये समझ सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि क्रिकेट के मैचेस आई होप चल रहे थे कि फ्यू डेज बैक कुछ ऐसे सुना था। तीसरा इफेक्ट है आपका मैग्नस इफेक्ट, इसमें क्रिकेट बॉल आप इमेजिन कर लीजिए, इसको जब थ्रो किया जाता है क्रिकेट बॉल को, तो ये इमेजिन करिए स्फेरिकल बॉल है, और अगर ये स्फेरिकल बॉल को इस तरीके से थ्रो किया गया है इस डायरेक्शन में, सिंपली थ्रो कर दिया गया है विदाउट गिविंग एनी स्पिनिंग इफेक्ट टू दिस बेटा, तो ये जो भी टारगेट आपने फिक्स किया है अकॉर्डिंगली मूव कर जाएगा। लेकिन मैग्नस इफेक्ट में वो कहते हैं कि ये बॉल को थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट दिया जाता है, वो एक खास किस्म की बॉलिंग करवाते हैं प्लेयर्स, क्या बोलते हैं उसको जो जिसने बॉल ऐसे रोटेट करता करता जाता है, स्पिन, यस स्पिन, हाँ स्पिन बॉलिंग उसको बोलते हैं। तो आपका बॉल मान लीजिए इस तरीके से ये स्पिनिंग मोशन भी पोजेस कर रहा है, एक तो सीधा मोशन तो है ही है, साथ ही ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, उससे क्या होगा जो एयर, अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जरा ध्यान से देखिएगा, ये बॉल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जो एयर इधर से आ रही है ऐसे, एयर को ये कट कर रहा है, एयर को ये कुछ इस तरीके से ऐसे कर देगा, जो एयर की लेयर यहां पे भी आ रही है इसको भी इस तरीके से टर्न करेगा, ये हल्का सा इसको भी एयर की लेयर को अपने साथ इस तरीके से एडजस्ट करेगा, और जो यहाँ पे जो लेयर्स आ रही हैं इन लेयर्स को कट करके ही अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की इसकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी, तो जो लेयर्स थोड़ी दूर हैं
वो डायरेक्टली पास कर जाएंगी, बाकी की जो लेयर्स हैं ये कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करेंगी। उससे क्या है, जो लेयर्स अपवर्ड पाथ से कवर्ड पाथ से आ रही हैं, इनको ज्यादा स्पीड मिल जाता है स्पिनिंग इफेक्ट ऑफ द बॉल की वजह से, और यहाँ पे वेलोसिटी वी जो है स्पिनिंग की वेलोसिटी के साथ आपका वेलोसिटी वी ऑफ द एयर लेयर्स इट बिकम्स बेटा लार्ज, वेलोसिटी वी लार्ज हो गया। और स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर वाली इक्वेशन को माइंड में रखते हुए यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट यहाँ पे प्रेशर जो है इट बिकम्स लेस बेटा, और आपका यहाँ पे वेलोसिटी जो है वी इट इज लेस, और यहाँ पे प्रेशर पी जो है लार्ज। इससे क्या होता है, बॉल ऐसे जा रहा था जो ये थोड़ा स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर उठकर ऐसे अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर लेगा, और जो आगे प्लेयर खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा पता नहीं चलेगा कि बॉल किधर से आ रहा है किधर को जाएगा, तो शायद इसीलिए वो जल्दी आउट भी हो जाते हैं, बिकॉज इस केस में पाथ जो इसका ओरिजिनली लग रहा है ये उससे डिविएट हो जाती है। जो बॉल थ्रो करने वाला प्लेयर है उसको पता है कि कितनी स्पीड से किस कैलकुलेशन से उसने बॉल को छोड़ा है, तो उसने अपना कैलकुलेट किया हुआ है। मे बी आगे जो प्लेयर खेलने वाला है अगर वो थोड़ा सा मिस मैनेज करता है तो ये बॉल उसकी जो विकेट्स हैं उनको टच करेगा और वो आउट हो जाएगा। सो मैग्नस इफेक्ट में आपके स्पिनिंग बॉल की एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, उससे थोड़ी सी हल्की सी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। राइट बेटा, चलें आगे बेटे। आपको कहा जाता है कि फोर्थ एप्लीकेशन है इसका बेटा, द इट इज एडवाइज टू स्टैंड अवे फ्रॉम द रेलवे लाइंस बेटा, एडवाइज टू स्टैंड अवे फ्रॉम रेलवे लाइंस। आजकल तो काफी फ्लाई ओवर भी बन गए हैं, तो मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, रेल की लाइन है, और पैसेंजर्स को या अदरवाइज लोगों को कहा जाता है कि यहाँ पे इसके नजदीक खड़े नहीं होना। रीजन बीइंग कि जब इससे ट्रेन पास करेगी तो ट्रेन जब जा रही है तो ट्रेन के साथ जो बिल्कुल साथ वाली लेयर्स हैं एयर की, दे विल आल्सो बी इन मोशन, और ट्रेन काफी ज्यादा स्पीड से जब चलता है तो जो ये एयर की लेयर्स हैं दे विल आल्सो बी ड्रैग्ड अलोंग विद द ट्रेन, इनकी भी स्पीड एयर की लेयर्स की काफी ज्यादा होगी। और आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप इसके नजदीक खड़े हैं ट्रेन क्रॉस करती है तो काफी ज्यादा डस्ट वगैरह जो है वो हम देखते हैं कि उड़ रही है, दैट इज इंडिकेटिंग कि एयर काफी ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। और आपने अभी अभी इक्वेशन किया था स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर वी जो है ये लार्ज हो गया इस रीजन में और इस रीजन में, तो यहाँ पे प्रेशर जो है इट विल बिकम लेस, किसके कंपैरेटिवली, यहाँ इन साइड्स पे प्रेशर के कंपैरेटिवली, जो लाइन के बिल्कुल नजदीक लोग हैं खड़े हुए रेलवे क्रॉसिंग के, वहां पे प्रेशर कम है, उनकी बैक पे प्रेशर ज्यादा है। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो बैक से इनकी इधर को इनको एक फोर्स फेस करनी पड़ेगी, और उससे ये इनका आगे को लाइन की तरफ गिरने के चांसेस बने रहते हैं, तो देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट आल्सो। तो इसलिए कहा जाता है कि जनरल पब्लिक और पीपल दे आर ऑलवेज एडवाइज टू स्टैंड अवे फ्रॉम द रेलवे लाइंस टू अवॉइड सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स बेटा। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्नौलीज इक्वेशन। चले आगे, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन काफी आपकी डेली लाइफ के साथ रिलेटेड है। इसके बाद है बेटा आपके पास स्प्रेयर, एटोमाइजर और स्प्रेयर कैसे काम करता है, आइए थोड़ा इसके बारे में भी बात करें। एप्लीकेशन नंबर 5, स्प्रेयर। आप लोगों ने देखा होगा घर में कई बार हमारे पास एक बॉटल टाइप स्प्रेयर होता है, आप ऐसे पंप करते हैं और वो लिक्विड दैट कम्स आउट। तो फ्यू मंथ्स बैक तो सैनिटाइजर्स भी काफी ऐसे थे, आप ऐसे फटाफट वो उसको कर देते हैं और वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है।
तो वो भी आपका पर्नौली सीरम के इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है। आइए थोड़ा स्टडी करें। आपका एक लोअर पार्ट ऑफ द स्प्रेयर में बीकर कनेक्टेड रहता है और ये बीकर आपका बेटा आप इसको यहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं खोलकर इसमें लिक्विड फिल कर सकते हो। आप इस लिक्विड को रीफिल कर सकते हैं। ऊपर से आपने कॉर्क लगा रखा है और बच्चों इसके अंदर एक पाइप ऐसे जाता है जो जनरली इसमें डिप्टी रहता है लिक्विड में, जो भी लिक्विड आपको स्प्रे करना है। और इसके इस साइड पे एक लॉन्ग पाइप रहता है कुछ ऐसे, मैं आपको अगर शो कर पाऊं, ये एक पाइप है और इसके पाइप के माउथ पर एक नैरो ओपनिंग है ऐसे। यहाँ से स्प्रे करनी है आपने लिक्विड की और यहाँ पे कई बार ऐसे रबर का बल्ब होता है, आप इसको प्रेस करते हो और लिक्विड बाहर आ जाता है, राइट? जब आप इसको प्रेस करोगे ऐसे, तो इसको प्रेस करने से क्या होगा, इसके अंदर जो एयर है, एयर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, दैट विल रश इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ एयर भागेगी, फटाफट भागेगी काफी ज्यादा स्पीड से। इधर तो जा नहीं सकती, इधर तो रास्ता बंद है, पानी है आगे, लिक्विड है, स्प्रेयर जो भी आपने स्प्रे करना था। इसका मतलब है यहाँ पे जो वेलोसिटी वी है दैट बिकम्स वेरी लार्ज, एयर की वेलोसिटी, उससे इस रीजन में प्रेशर पी जो है दैट बिकम्स लेस इनसाइड दिस ट्यूब। लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो पी है दिस इज इक्वल टू योर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी, ये प्रेशर ज्यादा है, उससे क्या होगा, ये वाले प्रेशर की वजह से लिक्विड विल राइज अप इनटू दिस स्मॉल नैरो ट्यूब और इस एयर के साथ मिक्स होकर जो लिक्विड है इट विल कम आउट और आपका जो स्प्रेयर है लिक्विड को स्प्रे कर देता है। सो इन दिस वे आपका एटोमाइजर भी इसको बोल देते हैं, स्प्रेयर भी बोल देते हैं, ये वर्क करता है, राइट और नॉट? ऑल क्लियर, वेरी नाइस। चले आगे, प्रॉब्लम सॉरी एप्लीकेशन नंबर 6। आपने सुना होगा कई बार बहुत ज्यादा अगर विंड वगैरह ब्लो करती है तो जो टेम्परेरी रूफ्स होती हैं दे आर ब्लोन ऑफ। आइए उसको भी डिस्कस करें बेटा। रूफ्स ऑफ हाउसेस आर ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग हाई स्पीड विंड। आइए थोड़ा बात करके देखें ये क्यों होता है, कैसे होता है। ये मान लीजिए एक रूफ है, किसी घर की रूफ है, कोशिश करता हूं मैं बनाने की और देखते हैं शायद बन जाए, छोटे होते ऐसे बनाया करते थे इस तरीके से और ऐसे बेटे, यस समथिंग लाइक दैट, ऐसे दरवाजा बनाते थे, खुला हुआ या बंद जैसे भी है, और यस ठीक है जी। मान लिया हमने कि ये टेम्परेरी हाउस कई बार बनाने पड़ते हैं लोगों को, बहुत ज्यादा स्पीड से विंड यहाँ पे ब्लो कर रहा है, काफी ज्यादा स्पीड है, डोर आपका क्लोज्ड है तो विंड बाहर है अंदर तो नहीं है। अगर यहाँ पे हाई स्पीड विंड होगा बी विल बिकम वेरी लार्ज और हाई और प्रेशर जो है दैट विल बिकम लेस, लेकिन घर के अंदर तो विंड नहीं ना ब्लो कर रहा, इसके इंटीरियर में प्रेशर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, उससे क्या होगा, रूफ पर एक डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये पूरे का पूरा रूफ जो टेम्परेरी रूफ होता है जो मेटल की शीट से बनाया जाता है, ये आपका रूफ जो है एज सच एयर विंड इसको उठाकर साइड पर थ्रो कर देती है। सो दिस इज अगेन बेस्ड अपॉन योर बर्नौलीस थ्योरम बेटा। चले जी आगे, समझ आ गया ना नमन? इसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ द लिक्विड थ्रू ए फाइन होल, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन नंबर 7। छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, कोई ज्यादा काम है नहीं इनमें, वंस आपको कंसेप्ट क्लियर है आप इजीली जवाब दे पाएंगे। कौन सा नंबर डालना है मैंने,
7 velocity of liquid coming out of a hole in a beaker. एक आपको बच्चों बीकर दिया गया है, ये मान लीजिए बीकर है और आपने इस बीकर में लिक्विड फिल कर रखा है और एच हाइट तक, एच हाइट मान लीजिए इतनी है, आपके लिक्विड का जो कॉलम है ये इसमें प्रेजेंट है, तो यहां से जो होल है इसमें से जो लिक्विड बाहर आएगा आप इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, बोलिए velocity of the liquid coming out of a hole in a beaker, right? ये थोड़ा h नहीं लग रहा था, ये पानी का कॉलम है जिसकी हाइट h के बराबर है, पानी की टॉप सरफेस से अगर आप देखो, टॉप सरफेस से यहां पे मैं बर्नौली इक्वेशन अगर यूज कर लू, p अपॉन रो प्लस हाफ v का स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो नहीं लिक्विड की, लिक्विड तो रेस्ट पे ही है, तो दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म तो नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका देखो इसको आपने अब लेवल इमेजिन किया जिससे लिक्विड आपका बाहर आ रहा है, यहाँ पे आप लगाओगे तो पी अपॉन रो प्लस हाफ बी का स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू जीरो, एच यहाँ पे जीरो हो गया इसके लिए, और आपका ये टर्म यहाँ पे नहीं है, सो आपका बर्नौली इक्वेशन कहता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, आप इनको और इनको इक्वेट कर दीजिए, आपके पास आएगा पी अपॉन रो प्लस जी एच इज इक्वल टू पी अपॉन रो प्लस वन बाई टू वी का स्क्वायर, बच्चों जितना प्रेशर यहाँ पे है सरफेस पे है बाहर भी तो उतना ही है, तो दिस टर्म विल ऑल्सो बी गॉन बेटा, ये भी नहीं रहेगी ये वाली, और आपके पास 1 by 2 v square is equal to gh, v square is equal to 2gh, and dear children v is equal to root 2gh, इतनी वेलोसिटी के साथ आपका लिक्विड यहां से बाहर आ जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, लिक्विड किस, लिक्विड का फ्लक्स किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट, इंपॉर्टेंट है काफी, दो नंबर में पूछा जाता है ये। एक और है वेंचुरी मीटर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक सेट में ये होता है दूसरे में वो होता है, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, वेंचुरी मीटर करें डिस्कस का, हाँ जी ओके, वेंचुरी मीटर इज ए बेटे गॉज, प्रेशर गॉज डिवाइस, जिसके साथ आप बेटे प्रेशर डिफरेंस किसी वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया वाली ट्यूब में देख सकते हैं, आइए थोड़ा डिस्कस करके देखें पुत्र इसको, इमेजिन करिए आपके पास एक बेटे ट्यूब है जो पानी को या लिक्विड को कैरी कर रही है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिंग है, ये आपके पास एक ट्यूब और ये ट्यूब का थ्रोट, या ये कह लो यहाँ पे ट्यूब नैरो, एक मिनट आप बनाना मत, रुकना जरा, मैंने इसको थोड़ा सा बदलना भी है अभी, ऐसे चला गया और ऐसे बेटे, यहाँ पे आपने एक डिवाइस अटैच कर रखा है नैरो, एक आपने ट्यूब अटैच कर रखा है इस तरीके से, और ये आपका वेंचुरी मीटर, ये वाले पार्ट को वेंचुरी मीटर कहते हैं, ये आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए कि आपके ट्यूब में से जब लिक्विड ये फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है और जब ये लिक्विड इस नैरो पार्ट में से फ्लो करेगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इन प्रेशर्स की कैलकुलेशंस के लिए आपको हेल्पफुल होता है। आइए जरा समझें अदिति, ये वाला एरिया बड़ा है कि ये वाला बेटा, पहले वाला इसको आप A1 कह दीजिए, इसको बोल दीजिए A2 एरिया, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी को V1 कह दीजिए, यहाँ पे आपके लिक्विड की वेलोसिटी को V2 कह दो बेटा, इसका सेंटर
और इसका सेंटर देखो एक ही लेवल पे है, 1/2 वी स्क्वायर वाला टर्म जो है आपके बर्नौली इक्वेशन में वो खत्म हो गया दोनों तरफ, और आप कहेंगे कि पी वन अपॉन रो इस साइड पे प्लस 1/2 बी का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो प्लस 1/2 बी टू का स्क्वायर आएगा, राइट बेटा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा जरा बेटे, इस रीजन में वेलोसिटी जो है ये वी वन है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वन बी वन मस्ट बी इक्वल टू ए टू बी टू बेटा, है ना। यहां पे एरिया बड़ा है वेलोसिटी कम होगी, यहां पे एरिया छोटा है तो वेलोसिटी वी टू जो है इट विल बी मोर देन बी वन। और अगर ऐसा है यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई है यहां पे वेलोसिटी कम है, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर पी टू जो है इट विल बिकम मोर और लेस, ठीक है। और यहां पे वेलोसिटी कम है प्रेशर पी वन विल बी मोर बेटा। और अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसमें आपने एक लिक्विड फिल कर रखा था बिगनिंग में, इस लेवल तक इधर प्रेशर ज्यादा है इधर कम है, तो किस लिंब में लिक्विड ऊपर चला जाएगा किस लिंब में नीचे, इधर ऊपर जाएगा कि इधर ऊपर जाएगा, इस तरफ लिक्विड का लेवल ऊपर चला गया इस तरफ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। आपको वो ये बताने को कहते हैं कि ये आपको डायग्राम दिया हुआ है लिक्विड का लेवल किसने कैसा होगा ठीक करके बताइए, राइट। सो अगर आपको कहीं पे वी टू निकालना पड़ जाए आप इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, 1/2 आपने कॉमन लिया इनका स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो 1/रो इनटू पी टू माइनस पी वन, कुछ ऐसे कह सकते हो आप जरा चेक करिएगा, नहीं पी वन माइनस पी टू आएगा है ना, चेक करिएगा जरा, इसको इधर ही रहने दिया ना, इसको इधर ले आए इसको उस तरफ ले, राइट। तो ये टू को भी आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, दिस विल बी टू ओवर हियर, ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर में था, और वी वन को आप इस तरफ ले जाओ, आपका वी टू जो है इट विल बी वी वन प्लस टू अपॉन रो और पी वन माइनस पी टू। अगर ऐसे नहीं करना तो आप बेटे ए वन वी वन यहाँ इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लीजिए, एरियाज की टर्म्स में भी आप इसको कर सकते हो, तो लेट मी डू दैट पार्ट ऑल्सो। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में वी वी वन की वैल्यू जो है ये ए टू ए वन और वी टू की टर्म्स में पुट कर दो, वी वन आपके पास आ जाएगा ए टू वी टू अपॉन ए वन, इसको वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए इस इक्वेशन में, राइट बेटे। और बच्चों आपके पास फिर बन जाएगा पी वन अपॉन रो प्लस 1/2 ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर अपॉन ये क्या था ए वन था ना, ये ए वन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो, हाँ जी बेटे आइए, और बी टू का स्क्वायर। अब आप टर्म्स को थोड़ा एडजस्ट करके ए टू निकाल लोगे ना बेटे, वी टू सॉरी ए टू नहीं वी टू को निकाल लीजिएगा, तो ये आपके पास बेटे वेंचुरी मीटर होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है वो भी समझिए जरा, आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में एग्जामिनर पूछते हैं, आपको वो कहेंगे कि आपको एक ये दिया गया है ट्यूब दिया गया है वेरिंग क्रॉस सेक्शन का, और इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन के ट्यूब में दो फाइन ट्यूब्स लगा रखी हैं ऐसे, इन दोनों ट्यूब्स में पानी भरा पड़ा है और आपका यहां से लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे दिस वे इधर को फ्लो कर रहा है, इन दोनों में लेवल पहले बराबर था लिक्विड का, अब ये लेवल ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा ये पूछा जाता है आपसे, यहां पे प्रेशर कम के ज्यादा ज्यादा, यहां पे प्रेशर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इसको लिक्विड को ऊपर उठा देगा और ये नीचे रह जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में आपको पहला ही क्वेश्चन आई थिंक ये मिलेगा, चेक करना जाकर आज,
और थोड़ा थोड़ा सिलेबस को बच्चों ब्रेक पे रहा करो, राइट। हमारा सरफेस टेंशन वाला पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।